वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल नाज़रीन, आज हम आपको बेहतरीन अवेयरनेस दे रहे हैं गन में कैसे काम हो रहे हैं या कैसे काम कर रहे हैं, खास करके गन में आने वाले नौजवानों के लिए एक बेहतरीन अवेयरनेस है। इससे पहले 2 महीने पहले मैं एक वीडियो बनाया था इसके बारे में कि पिटीज हो रहा था, एक्सपीडिशन हो रहा था, रात वेरिफिकेशन हो रहा था, उस वक्त ये वही मैदान है, ये वही ट्रेंड एरिया है। इसका आज लैंडिंग स्टार्ट किया हमने। ये एलिवेशन देख लो, इसका एलिवेशन ज़्यादा खुदाई हुआ है, इसका एलिवेशन ज़्यादा है, इसके लिए एलिवेशन थोड़ा ऊपर है, इसलिए इनको एक फ्रेम डिवेल्ट करना है। फ्रेम डिवेल्ट करने के लिए हम कंक्रीट स्टार्ट किया, हमारा कंक्रीट का मेन पावर लगा हुआ है, ये कंक्रीट है, ये कंक्रीट डालने के बाद इसको बकायदा स्मूथ फिनिशिंग डिवेलिंग और सफेस्टिकेशन इसको कर लेंगे। ये हमारा कवर एरिया है, पूरा एरिया को दिखा दो नाज़रीन को, ये हमारा कवर एरिया है, ये देख लो, ये पूरा एरिया को आज मेन पावर इनको प्लास्टिंग करना है। ये पॉलिथिन हम डाल रहे थे माइक्रो 250 माइक्रो है, ये इसीलिए है कि ये है क्योंकि कंक्रीट का स्ट्रेस, कंक्रीट का 100 साल के लिए गारंटी या 50 साल के लिए गारंटी होता है, इसलिए नीचे कोई कंक्रीट का दिमाग का खातिमा नहीं होना चाहिए, कंक्रीट में कोई ज़मीन के अंदर कोई नमी नहीं होना चाहिए, इसलिए हम ये प्लास्टिक डालते हैं। प्लास्टिक डालने के बाद इसको पहले टर्माइट करते हैं, इसके बाद प्लास्टिक डालते हैं। प्लास्टिक डालने के बाद हमने कंक्रीट हम स्टार्ट करते हैं। इसके बाद फिर हमने रेनफोर्समेंट जो स्टील रीबार है ये कंक्रीट करने के बाद इसके ऊपर डालेंगे। ये राफ्ट है, उसके भी फाउंडेशन का वीडियो हमको बनाया है, इंशाल्लाह आपको बनाकर आपके साथ शेयर करेंगे। हमारा चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो, इसी तरह अपडेट वीडियो आपके साथ पहुँचते रहेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू।